तो विधानसभा के बाहर बीजेपी वालों के वलों लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीर तो साझिया कर रहे हैं जिथे कि बाहर पंजाब सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही है। तो सीधी तस्वीर तो साझिया कर रहे हैं जिथे कि तुम देख सकते हो कि धरने ते बैठ गए ने और लगातार नारेबाजी की जा रही है। नागरिक के तौर पर पूछी जाना भी एक किसान होने के नाते मैं पूछी जाना भी मैनू दसो इन्हां 23 फसलां की गारंटी नाल मेरे वर्गे या पंजाब दे किसे किसान दा की फायदा है? की पंजाब दा किसान दा की फायदा है? जे पंजाब दे किसान दा फायदा ही है नहीं। पंजाब दे किसान ने जे झोना ते कणक ही बीजे रखनी है, गन्ना ही बीजे रखना है, ते फिर बाकी 23 दी गारंटी लैके की करनी है साहब? शुभकरण क्यों मरवाया? शुभकरण दी गलती इन्नी सी भी शुभकरण ने इन्हां लीडरां दी, चाहे वह किसान आगू सीगे, चाहे कांग्रेस वाले सीगे जिन्हें हल्लाशेरी देती भी थोड़े नाल खड़े हैं, ते चाहे भगवंत मान जी जिहड़े वकील बने बैठे सी किसानां दे, मैं लैके दिंदा वह दस देण भी शुभकरण क्यों मरवाया? जे वह 23 फसलां बीजनी ही नहीं ना भगवंत मान जी पता नहीं की दसणगे मैनू, बाकियां दा तां पता नहीं। मेरे कुलीग रहे है फतेह जी किधर गए, इत्थे फतेह जी नूं पुछ लो, भरा ही है। मैं बाजवा साहब तो कल्ली आ पुछना चाहुंदा, बाजवा साहब तुसीं इन्हां नूं जाके मुंडियां नूं शुभकरण नूं हल्लाशेरी देती भी जाओ 23 दी गारंटी तुहानूं लैके दिंदे आ, किहड़ी फसल तुसीं बीजोगे इन्हां 23 चों? गन्ना बीजदे है बाजवा जी, झोना बीजदे है, ते कणक बीजदे है, ओह छड्ड देण वी मैं बाजरा लाऊंगा, मैं बाजरे दी गारंटी लैके। पर जाकर साहब गल कल्ले पंजाब दे किसानां दी नहीं, गल पूरे भारत दे किसानां दी हो रही है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। फिर पंजाब नूं रणभूमि क्यों बनाया है? जे उतों एक बंदा राजस्थान चो आया बैठा, एक मध्य प्रदेश दा आया बैठा, असीं 1000 बंदा भेज देंगे इतों लाण आपदा मोर्चा। यूपी वाले सक्षम है, महाराष्ट्र च बहुत किसानां च, किसानां दी प्रॉब्लम है साहब, पंजाब वाला किसान भी उन्हें मदद चाहिदी है, पर पंजाब कोल तां MSP है। अज पंजाब दा किसान MSP तो अगे चीज पालदा, क्योंकि MSP जिस दिन पानी नहीं रहा इत्थे फिर ना झोना होना ना MSP कम आनी, ओहदी ब्यौतबंदी अज करांगे तां मसला है साहब, ओह गल कोई करदा नहीं। ਇੱਥੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ, ਫੀਲੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ? ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਵਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਜਰਾ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਲਵਾਓ ਬਾਜਰਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੋਲੇਪਣ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੌਂਕਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ,
विधानसभा च होनी चाहिए है आ याद कराना है असी चुने हुए नुमाइंद एक मिनट यारो प्लीज अज गल करन आए हैं भी इन्हों याद कराने आए हैं भी किहदे वास्ते चुन के भेजे है बोलन उत्थे दसन दसन बाजवा साहब भी मैं आज मेरे को 50 किले झोना मैं छड्डन लग्या आ कहन भी आ मेरे को इत्थे 20 किले जिवें गन्ना बीज रख्या मैं छड्डूंगा इत्थे ज्वार लाऊंगा बाजरा लाऊंगा अरहर लाऊंगा मूंग लाऊंगा दसन भगवंत मान जी देण भी मैं बाजरे की गरंटी सुप्रीम कोर्ट दे के आए सी हुण भज गए कौन इत्थे चुनाया च मैं फैसला करूंगा चुने नुमाइंदे हो ऐसा उन्हां दा फर्ज बनदा है पंजाब की गल करन अगर इन्हां 23 इन्हां ने लानी नहीं क्यों ना लाणगे आ दसो किसानां नूं सोचना पऊगा साहब जिन्नी आमदन किसान नूं झोने ते इहदे गन्ने दे विच है इह जिहड़ी साइकल है झोने ते कणक दा ओनी आमदन किसी होर फसल च है नहीं इस करके इन्हां नूं किसी ने नहीं छड्डनी फिर क्यों मंगी जांदे साहब फिर उहदा कोई ना कोई बैठ के विचार करन भी इहदा हल किवें करिए एवें लला लला करके मुंडे मरवा ते साडा शुभकरण मरवाया क्यों जे इन्हां ने बीजना ही नहीं ज्वार बीजना ही नहीं बाजरा जे बीजना ही नहीं मैं कपाह बीजदा साहब मैं मेरे सवेरे पानी हुए मैं झोना लाऊंगा मैं कीनो पट दूंगा उहदा मजबूरी दा नाम है साहब ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਰਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਅੱਜ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰਸਾ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਪੈਰਿਸ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਨਡ ਡਿਸਲਡਫ ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਭੋਪਾਲ ਘਰ ਨਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਜੇ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜੀਣੀ ਸੀ ਜੋਲੀ पर पंजाब दे उत्ते पंजाब नूं बैटल ग्राउंड क्यों बना रखे इत्थे आके क्योंकि यह कह दिंदे आ पंजाब वाले बड़े बहादुर है जी बहादुर तां है साहब सानूं पंजाब दे मुंडिआं नूं बहादुरी दा सर्टिफिकेट किसे तों नहीं लैणा साहब ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਸ਼ਰੀ ਦੇਣ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਅਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਸ ਖੋਲ ਲੂੰਗਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਆਹ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਲਾਣੀ ਆ ਜਵਾਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫੋਲ ਸੰਖਾ ਸਰਕਾਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਓ ਫਿਰ MSP ਦੇ ਕੇ ਨੱਕੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਤੇਈਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੁਛ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ
डिस्कशन होनी चाहिए है, पर डिस्कशन एक मैं फिर दोहराऊंगा सर, आ डिस्कशन का कोई फोरम नहीं है भी इतने पूंजे बह के डिस्कशन हो। विधानसभा एग्जैक्ट फोरम है। मैं अज सिर्फ इसे करके इतने आया इन्हों लीडर जेडे वड्डी वड्डी कारां चढ़े फिरदे हैलीकाप्टर चो हेठां नहीं उतरदे इन्हां नूं याद कराना है। थोड़ी जिम्मेवारी पंजाब दे लोकां दे पंजाब दे जवानां पंजाब दे किसानां कन्नी है। तो एक गल दसण अज इन्हां ने कल बयान दिते है भी असीं हुण बसां ते गड्डियां ते दिल्ली जावांगे। जे आ कम पहलां कर दिंदे शुभकरन मरदा साहब क्यों मरवाया शुभकरन? मैं कहना भी जेड़ा लोकां ने उकसाया नौजवानां नूं उह बराबर दे हिस्सेदार है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी आए जेडे नाल तुर पे लो जी हला ला 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 बड़ा सोहनी मंगे सब छोड़ो। मैं बाहर वाले खाते खुते नहीं किसी के फरोल ने, इतने पता लग जूगा। मैं तो बाजवा छोटे बाजवा साहब का साढ़े नाल ही खड़े ने, पुछ लो भी इन्हां दे किन्ना झोना लगता है, किन्ना इन्हां दे गन्ना लगता है। जे सवेरे बाजवा साहब कह देण भी मैं इतकी झोना नहीं बीजना, मैं सवेरे इन्होंने नाल सहमत हाँ भी आ लो तुम जवार ला लो। मैं पंजाब के किसान चाहवांगे कि इस पूरे मसले लिए लगता है कि मन शक्ति है कौन है पिछे की किसान आगुआ की शंका कि मन देखो मैं कहना भी किसान तो भोला है जिदे सूत आंदा उन्होंने लैके भी अला लाला तेन दिखा के सब्ज बाग दिखा के तोर लेंगे है, पर आह तो जिम्मेवार लोग है साहब आ जेड़े एमएलए है। सुन लो एक मिनट साहब, या तो तुसी कह लो या मेरी सुन लो, मैं तो सुनना आया इत्थे। मैं तो इन्हां नूं इन्नी बेनती करना आया भी तुसी मन्नू कन्विंस कर लो मैं थोड़े नाल लग जाना, या साडे मगर लगो या तुसी दसो। मैं तो इन्ना तख्ती देखो आ देखो साहब शुभकरन क्यों मरवाया साहब एहदा जवाब दे दे। हां जी मारिया दसण भी केड़ी फसल लानी। मैं कहना बराबर दे दोषी है साहब, जिन्हें भी मारिया ते जिन्हां ने मरवाया है। शुभकरन गया क्यों बॉर्डर ते? जे इन्हां ने बसां च चढ़ के जाना सीगा ते फिर उत्थे बॉर्डर वाला क्यों कर रखे? मैं कहना बिल्कुल दी जांच हो गई। ओ बराबर दा ओ जिन्हां ने किसे मारी है कि नहीं मारी आ जाण ते पोस्टमार्टम मारिया तो सजा होनी चाहिए। एक मिनट सुनो साहब, बॉर्डर ते असीं आए हां कोई सौंकी आए हां क्या? बॉर्डर क्यों ला रखी इन्हां ने? आ जिहड़े कहिंदे सी भी हरियाणा ने बॉर्डर ला के पाकिस्तान है, मैं पूछना चाहना भगवंत मान जी ते इन्हां बाजवा साहब नूं ते इन्हां दे कांग्रेस वाले प्रधान नूं भी आ क्यों बॉर्डर ला रखे? असी साढ़े हाथ कोई बंदूक है कृपाण है कोई डांग है आ लाई बैठे बॉर्डर? असी तां टाइम लैके आए हां स्पीकर साहब तो फिर भजी जांदे है सवालों तो भजदे है साहब, जवाब है नहीं इन्हां कोल। पंजाब दे लोकां नूं बेवकूफ बना के आ मैनूं जवाब देण अंदर बैठे जिहड़े 92 हो ते 17 या 18 जिहड़े है ए जवाब देन। पंजाब दी इंडस्ट्री अज क्यों बंद पई है? अज पंजाब दी इंडस्ट्री नू रोज दा 1500 करोड़ रुपये दा नुकसान हो रहा है क्योंकि बाहर वाले नू इत्थे सूत है। राजस्थान च ला लो साहब आप दा धरना लाओ, असी नाल समर्थन करदे हां, उन्हां दी मंगा हो रहा पंजाब वाले नालों। पंजाब कोल दा MSP है उन्हां नू नहीं मिलदी, मध्य प्रदेश नू उन्हां दी आप दी मंग हो रहा है, पर पंजाब दा नुकसान हो रहा है। छड्डो इंडस्ट्री दी छड्डो, ओह को फिर कह देणगे कारपोरेट दी गल करदा है सर। मैं नाम नहीं लैंदा सी पर अज मैनूं कहना पऊगा क्योंकि यह कहिंदे सुनील उन्हां दी गल करदे किसे एक लीडर ने यह कांग्रेसी ने या आम आदमी पार्टी ने या इन्हां किसान जथेबंदियां ने सारे हिंदुस्तान का किन्नो 80% जिहड़ी पंजाब दी ग्रोथ है मेरे अबोर हल्के च हुंदी है सर, वह सड़ी जांदा उत्थे क्योंकि बॉर्डर बंद है, ट्रक जांदा नहीं। किन्नो किहदा किसान? वह तां किसान ही है, उहदा जवाब देणगे भगवंत मान जी। रोज कहते दे जाखड़ का किन्नो ले फिरदा साहब, जाखड़ क्यों नहीं लूगा? जे साडे झोना नहीं लगता असीं मरले नूं तरला करदे आ, तरला असीं तां नरमा भी लाने, सानूं पता भी ना बट होणी ना उहदा कुछ होणा, असीं तां नरमा भी लाने। फिर ए झोना लाण सानूं कहिंदे ने बाजरा लाओ, क्यों लाइए साहब क्यों लाइए? सानूं कोई सारे पंजाब वास्ते साडे सरक लोकां दी किसानां दी कोई ना कोई आमदन दा ब्योतबंदी करो साहब। पानी तो जाइए तो थोड़े दिन तो ही चीका मारनगे। आ जिहड़े माझे वाले साढ़े भरा बैठे है आ जिहड़े अंदर जाके हुण कहिंदे सुनील कारपोरेट हो गया, तुसीं भी मैं दिखाऊंगा जिस दिन पानी खत्म हो गया ना, ना झोना होना ना गन्ना होना ते फिर MSP नूं चट्टोंगे सब कादे ते लोंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसरी। मैं इहदा पैरां च डिगे पए है, उन्हां नूं पता नहीं कोई मिले है कि नहीं मिले, इहदा पैरां च डिगे पए है। जिहड़ा प्रधान जी होरी दस्तार सिट के आए है भगवंत मान जी दे पैरां च चुसकदे ही नहीं।
ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਰੜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਸੁਰਮੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ बीजेपी वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। तुसी देख ही सकते हो तस्वीर सिद्धियां विधानसभा के बाहर बैठ के बीजेपी वालों प्रदर्शन किया जा रहा है। सुनील जाखड़ जी ने किसानों के मुद्दों को उठाया है जिथे कि इन्होंने तुसी देख सकते हो तस्वीर के विच लिखा है कि शुभकरण को क्यों मरवाया ते केड़ियां फीसां जिहड़ियां फसलां बीजणगे उसके बारे भी चर्चा की गई है। तो सिद्धियां तस्वीर ने विधानसभा के बाहर बीजेपी के वालों प्रदर्शन किया जा रहा है जिथे कि बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ पुंजे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने वालों लगातार पूछगिछ कह सकते हैं कि किसानों के मुद्दे को उठाया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि आखिर शुभकरण को क्यों मरवाया। तो किसानों के मुद्दे अहम ने तो सुनील जाखड़ के वालों जरा इतने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है विधानसभा के बाहर ही। तो सीधी तस्वीर ने जिथे कि किसानों के मुद्दे को उठाया गया है। तो शंभू बॉर्डर उत्ते किसान धरना प्रदर्शन उत्ते बैठे ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन उन्होंने वालों किया जा रहा है। एम एस पी की मांग की जा रही है तो उत्थे ही सुनील जाखड़ के वालों जड़ा है यह मुद्दे चुकया गया है। तो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है तो उन्होंने वालों जड़ा है शुभकरण की मौत का भी मुद्दा उठाया गया है। तो इस बारे पर्पल की अपडेट तुहानू देंदे रहांगे। बने रहो सांझा टीवी के नाल। मैं रहो विधंजल कैमरामैन प्रदीप के नाल। धन्यवाद।